हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संजय पाशी मेटल डिटेक्टर में। दोस्तों जो है आज मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ फिर से फिशर F75 मेटल डिटेक्टर, जो कि मेड इन USA का है और इसमें आपको दोस्तों 5 साल की वारंटी मिल जाएगी। तो दोस्तों जो है इसका मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फिशर F75 आप लोगों को कैसे चलाना है। तो इस वीडियो को दोस्तों जो है आप पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा दोस्तों। और अगर आप इस मशीन का प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए, तो हमारा नंबर आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है, दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप मेटल डिटेक्टर मंगा सकते हो। ये हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होती है। और भी दोस्तों जो आपके मनपसंद मेटल डिटेक्टर हो, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी मशीनें अवेलेबल होती हैं, तो आप अपने हिसाब से जो मशीन आपको पसंद है वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट इसको जो है मैं देरी न करते हुए अनबॉक्सिंग करता हूँ और असेंबल कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ, कैसे चलाया जाता है, कैसे आपको अलग अलग मेटल बंद करना, वो सारी चीज़ें जो है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अनबॉक्सिंग में दिखाई रखा है कि इसमें 15 इंची की कॉइल मिल जाती है, साथ में इसमें आपको 11 इंची की भी कॉइल मिल जाती है। तो एसेसरीज मैंने आपको दिखाई रखा है कि क्या क्या चीज़ आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है कि फ़िलहाल मैं इसको 15 इंची कॉइल नहीं कनेक्ट करूँगा क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ। तो आपको ये दिखाना है कि कैसे चलाना है, कैसे अलग अलग मेटल ये बताता है, कैसे किस मेटल को बंद करना है, वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो मैं छोटी कॉइल यानी 11 इंची की कॉइल इसमें जो है लगा करके दिखाता हूँ। अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, इसमें पिन पॉइंटर आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे असेंबल करना है। इसका ये स्क्रू है और इसको जो है आप आराम से जो है इसमें लगाना होता है। ध्यान से लगाइएगा क्योंकि प्लास्टिक का नट होता है दोस्तों, नहीं तो जो है ये टूटने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप इसमें ज़बरदस्ती करते हो। तो आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है किसी भी चीज़ में। ऐसे आराम से जो है सुराख को जो है आपस में देख करके लगाइए और ये देखो टाइट कर दिया मैंने। ठीक है, ये लग गया। उसके बाद इसका जो है दूसरा सॉफ्ट है, ये हमने इसको जो है ये आप देखिए दिए गए हैं, एडजस्टेबल होता है। ठीक है, तो आपको जहाँ सेट करना हो आप आराम से इसका जो है सेट कर सकते हो। ये है हमारा मेन होस्ट मशीन है। ठीक है, तो इसको जो है मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ और ये चूड़ी बनी होती है, इसको टाइट कर दीजिए। इसको टाइट करने से क्या होता है, मशीन हिलती जुलती नहीं है, प्रॉपर एकदम सेट हो जाता है। ठीक है, मशीन असेंबल हो गया दोस्तों। असेंबल करने में बहुत ही आसान है ये। इसका जो है एक कॉइल का वायर है, कॉइल का वायर को करना क्या है आपको, कुछ लोग इसको क्या करते हैं डायरेक्ट लगा देते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाना होता है। इसको हमेशा इस डंडे में अच्छे से रैप करना होता है। किसी भी मशीन का कॉइल हो तो डंडे में आप इसको अच्छे से रैप कर दीजिए। इससे क्या होता है कि कॉइल फालतू की हिलती डुलती नहीं है, मशीन जहाँ पर मेटल्स मिलेगा वहीं पर ही जो है आवाज़ करती है। ठीक है, पिन लगाते टाइम यहाँ से जो है मेल फीमेल आप इसमें देख करके ही लगाइएगा, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना होता है। ठीक है, जब ये आपस में मैच करेगा तभी इसको आपको लगाना होता है। अभी हमने इसको जो है मशीन ओके कर दिया। आप देख सकते हो मशीन बहुत ही लाइट वेट है, आप जो है इसमें सेल लगा सकते हो। यहाँ से ये यहाँ पर जो है दिया गया है और मैं सेल लगा लेता हूँ। इसमें दोस्तों जो है 4 सेल लगाया जाता है, थोड़ा नज़दीक आओ। ये 4 सेल होते हैं दोस्तों, इसके अंदर इसमें लगाया जाता है ऐसे, ये ठीक है। माइनस प्लस आप आसानी से इसमें चेक कर सकते हो। जैसे मैं लगा रहा हूँ दोस्तों ऐसे ही आपको भी लगाना होता है। उसके बाद इसको जो है आराम से बंद कर दीजिए, लग गया। यहाँ से इसका हेडफोन लगा सकते हो। अब देखो दोस्तों, थोड़ा इस साइड आ जाइए, मैं डिस्प्ले की तरफ आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो है हमने मशीन को सेट कर रखा है, आइए हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ से मशीन आप ऑन कर सकते हो, यहाँ पर बटन दिया होता है इसका ऑन करने का। डिस्प्ले हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, यहाँ पर देखो ब्राइटनेस भी है इसका। रात में अगर चलाते हो तो रात में अच्छे से ये देखने को भी आपको इसमें मिल जाता है। और अभी क्या है कि ये मैं ऑल मेटल पर चला रहा हूँ, अभी कुछ भी बंद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका आप देख सकते हो यहाँ पे आयरन, फॉयल, निकल, टैब या बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दिख रही है। 99 तक टारगेट आईडी आपको इसमें देखने को मिलता है। जैसे अभी हमारे पास ये लोहा है, अगर मैं लोहा लगाता हूँ, ठीक है, यानी कि लोहा बता रहा है। अगर हमें इसको लोहा बंद करना है तो इसमें बहुत आसान है तरीका, यह है मेन्यू का बटन है, आप एक बार क्लिक करोगे सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी क्या होता है, आप इसको कैचिंग पावर घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो। अभी देखो कम हो रहा है, इसको मैं बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। 99 तक का टारगेट आईडी इसका हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो और उसके बाद जो है इसको मैं थोड़ा कमरे के अंदर थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्क लेबल है, डिस्क रेमिनेशन मोड का होता है ये ऑप्शन, डिस्क लेबल लिखा होता है। इसको करना क्या होता है, इसको मैं बढ़ाता हूँ। अगर मैं जो है इसको 12 तक का मान के चलो कर दिया, ठीक है, यहाँ तक देखो आयरन कट हो गया। अब मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है, आयरन देख रहे हो आप, ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसके अलावा पे, ये हमारे पास देखो गुटके का पन्नी है, पान मसाला का पन्नी, इसको मशीन बता रही है, देखो फॉइल पे जा रहा है ना, देखो फॉइल पे, क्योंकि जो है फॉइल है, ये फॉइल पे रुक गया। अब इसको फॉइल को भी अगर हमें बंद करना, डिस्क लेवल पर जा करके इसको हमें बढ़ाना होगा, ठीक है ना। ये देखो मैंने इसको 20 पे कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, सॉरी। अब जो है मैं इसको फॉइल लगाता हूँ, अभी बता रहा है, अभी देखो कितना सिग्नल आ रहा है इसका, ठीक है ना, 24 तक का जा रहा है ना। तो हमें डिस्क लेवल पर जा करके 24 नंबर तक का हमें बंद करना है, ये 24 तक का हमने मान के चलो इसको यहाँ बंद कर, मैं 25 तक का कर देता हूँ, 25 तक का फॉइल पूरा बंद है। अब मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है कि नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ये हट जाता है। अब देखो ये लोहा बंद हो गया, अब लोहे को नहीं बता रहा, देख रहे हैं आप दोस्तों, ठीक है कि नहीं, यानी कि जो सॉरी पान मसाला का पन्नी नहीं बता रहा है, लोहा भी नहीं बताएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसके अलावा मैं अगर कुछ भी लगाता हूँ, जैसे हमारे पास ये तांबा है या पीतल है, कुछ भी लगाता हूँ, इसको मशीन बताएगी, ठीक है नहीं। बाकी सोना चांदी तांबा पीतल कुछ भी लगाओगे तो वो सब बताएगी। सिर्फ हमने क्या बंद कर रखा है, देखो यहाँ पर कट का निशान है, आयरन और फॉइल बंद कर रखा है। अब इसके साथ साथ कुछ आते हैं, कुछ नेकल वगैरह आते हैं, देखता हूँ इसको जो है, इसको देखा ये जो है इसको कितना आ रहा बता रहे हैं, हल्का आ रहा है, क्योंकि देखो क्रोम हुआ है ना। अगर इसको भी बंद करना, जो जैसे ये नेकल का मतलब हो गया, जो क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक के जो ढक्कन होते हैं, बियर के कैन का ढक्कन होता है ना, तो वहाँ तक अगर हमें बंद करना है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, डिस्क लेवल पर जाने के बाद ये हमें यहाँ तक का अगर कर देंगे तो ये भी बंद हो जाता है, ठीक है नहीं। तो आपको मैं 25 तक का, सॉरी 30 तक का अगर मैं बंद कर देता हूँ, तो पूरी तरीके से आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है नहीं। जो मेटल का आपको जो प्रीशियस आइटम होगा उसका आवाज़ देखो, ये देख रहे हैं आप, ये इसका जा रहा है DIME, ठीक है नहीं, यानी कि 75 तक का सिग्नल जा रहा है। ये आपके कीमती धातुएं हैं ये सब। तो आपको करना क्या है, ये जो नक्कल तक का 35 तक का ना, पूरे तरीके से इसको बंद कर दो। आपका सोना चांदी तांबा पीतल जो भी होगा, ये 55, 65, 75, 99 तक का ही आते हैं सिग्नल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो है आप इसको बंद कर सकते हो। उसके बाद ऑफ ट्यून है, ऑफ ट्यून को जो है अगर जैसे मैं मान लो अभी 1 पे चला रहा था ना, अगर 1 पे चला रहा हूँ मैं तांबा पीतल लगाऊंगा, सबका एक ही साउंड आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 1F पे कर देता हूँ, इस पर साउंड देखो चेंज हो गया ना। अगर इसको मैं 2F पे कर देता हूँ, हल्का हल्का माइनर आपको जो है साउंड का जो है चेंज होना आपको लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो, ये तो इसको इन सबको जो है आपको, अगर मान लो मैं इसको 4 पे कर दिया, देख रहे हैं आप, यानी 4 तरीके का आपको साउंड इसमें मिलेगा। ये देख रहे हैं, इसका देखो, इसका देखो, है ना। तो इस तरह जो है आपको साउंड इसमें चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ऑफ ट्यून में जाकर के। अगर 4 पे रहने दीजिए तो 4 तरीके का आपको साउंड हल्का फुल्का आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है कि नहीं। ये सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं होता। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ से जा करके आप अगर ऑल मेटल पर चलाना हो, ये ऑल मेटल पर आ गए हम, अगर इसको जो हम STA वाले पर कर देते हैं, तो STA वाले पर क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, तो ये ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि हम पिन पॉइंट वाला ऑप्शन, ये इसको बोलते हैं, समझो कि एक पिन पॉइंट, जैसे हम मान लो कि कोई भी मशीन चलाते हैं उसमें पिन पॉइंट का ऑप्शन होता है ना, तो STA हो गया ये। तो ऐसे जो है ये इसको आप STA मोड कर सकते हो, ऑल मेटल मोड हो जाता है। मैं कुछ भी लगाऊंगा, ये कुछ भी लगाऊंगा तो ऑल मेटल मोड पे देखो लोहा वगैरह सब चला रहा है, ठीक है। थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड को अगर हम प्लस करेंगे तो मशीन का एक बैकग्राउंड साउंड आने लगता है, तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे खैरान -9 तक का होता है थ्रेशोल्ड है ये ऑल मेटल मोड पर। तो इसको जो है हमेशा आप कोशिश करना कि ये देखो प्लस अगर करूँगा, अभी मैं माइनस पे कर देता, प्लस पे कर दूँगा तो प्लस पे देखो मशीन का साउंड आ ही रहा है,
ये, लेकिन मेटल का साउंड अलग आएगा, ठीक है नहीं? तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती, इसको जो है आप कोशिश करना कि जीरो पे ही रहने दीजिए। ये इस पे आकर के जीरो कर दीजिए, ठीक है नहीं? ये जीरो कर दिया मैं, अब सिर्फ मेटल आएगा तभी साउंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आईडी और पिच कर सकते हो, सेंसिटिविटी बढ़ाना, जो सेंसिटिविटी इसमें 99 ऑलरेडी है ही, ठीक है नहीं? तो जो है मैनुअली ग्राउंड बैलेंस करना हो तो मैनुअली ग्राउंड बैलेंस आप यहाँ से कर सकते हो, इसका यहाँ से भी कर सकते हो, और जो है ये देखो, ठीक है। अगर हम इसको जो है नीचे की तरफ करते हैं तो जी भी लिखा हुआ है, ग्राउंड बैलेंस होता है, पंप करता जाता है, ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हल्का फुल्का आपको डेप्थ का आइडिया देगा। जैसे मान लो ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींचता हूँ, इसका पिन देखो, यहाँ से पिन दिखा दो, अगर मैं ऊपर की तरफ खींचता हूँ तो डेप्थ का आइडिया देता है, देखो डेप्थ लिखा हुआ ना ये, ठीक है, ये तो इंच में आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देगा। अगर मैं यहीं पर नीचे की तरफ करता हूँ तो जी भी लिख करके आता है, तो ग्राउंड बैलेंस बना जाता है, ठीक है। यहाँ से आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों जो है काफ़ी इजी मशीन है, ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होता कि जो है आप इसको चला नहीं पाओगे, बहुत आसान है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने सेटिंग आपको समझाया है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। बाकी अगर आप लोग इससे भी नहीं समझ पाए तो आप मुझसे जो है आप फ़ोन करके, मेरे नंबर पर आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आप कोई भी मेटल डिटेक्टर प्लान कर रहे हो ख़रीदने के लिए तो हमारा नंबर आपका डिस्प्ले शो कर रहा है, आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जो भी मेटल डिटेक्टर मंगाना चाहें आप घर बैठे मंगा सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस आओ तो आ करके देख करके खुद ले जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।